अरे रोटी पारे दाई अरे ये सब चटाई की महिमा ले आता है। अरे नहीं ठीक है यार, मान तो जान जा रहा था। हां हां वाला वाह वाह घुसी है अबे वाह। अरे लागत है इतने जटाइन क्या यहाँ जंगल आती ले अरे वन तक घुसे रहते रहा ताइने देखा है वो कहाँ चली गई बीच वाली आ रही तो ये काठा रही है अब यहाँ से ज्यादा है। हाँ अरे भले गांव गुजर देते बच्चे रोज ले आओ करते गांव गुजर। क्या नाम है आपका? जय सिंह। अच्छा कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम मड़ावली। क्यों इकट्ठा हुए यहाँ पे आप सभी लोग? यहाँ जानवर जो है बाहर के भी ला करके छोड़े गए हैं और गांव के लोग बांध नहीं रहे हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण गांव की सारी जमीन परती पड़ी हुई है। हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे जब कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? अच्छा ग्राम प्रधान से इसके बारे में कहा आपने? ग्राम प्रधान से कहा, ग्राम प्रधान कहता है कि आपको जो भी व्यवस्था करना हो करो, न करना हो न करो, मैं जानवरों के विषय में कुछ नहीं जानता। अच्छा तो लगभग कितने अन्ना गौवांश होंगे यहाँ पर अब तक? 400 से 500 हैं। 500 के आसपास? 400 से 500 हैं। और ये जमुना बेल्ट के किनारे हमारे गांव के सब नहीं, ये दूसरे गांव से मतलब यहाँ आ गए, क्योंकि आगे जमुना पड़ जाती है तो जमुना के आगे जानवर उधर पानी की वजह से जा नहीं पाओ, तो सारा क्षेत्र का जानवर हमारे ही गांव मड़वली में सारा घुसा पड़ा है। अच्छा तो आपको किसानी करने में समस्या आ रही है? अरे किसानी करे समस्या का दो साल से हम बिल्कुल चना रहर का तो तरस के बच्चा माने दाल नहीं चीखी चना की कौन तरह का हुआ थे माने। अच्छा, इसके बारे में उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत की? अरे SDM साहब के हमारे पास कागज धरे, हमारे पास BDO साहब के कागज धरे, हमारे पास उनके साइन एक साल पुराने कागज हमारे पास। अबे परसों जाके हम फिर BDO साहब का दिन, आप BDO साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। गोपीनाथ पाठक 1076 में 4 बार एक ही विषय में हमारे कंप्लेन कर पाओ। अब हमारा सीधा योगी बाबा के लगे लखनऊ की ओर तैयारी हम कल परसों बिल्कुल है हम जा। अच्छा, जितने लोग हैं सभी लोग आप सीधा जाकर मुख्यमंत्री आवास पे धरना? नहीं, अब किराया भाड़ा यहाँ पेट्रोल 104 रुपये लीटर का है तो हम इतना किराया नहीं ले, सबसे 10-10, 5-5 चंदा कह के एक दो आदमी हम माने पहुंचे सीधा जनता अदालत मोहल माने लखनऊ में जाके ठाड़ो, अब सबके साइन मोबाइल नंबर लिख के हम जाइबे पूरा रोइबे की जानवर अगर अन्ना कीन का है न कटिंग बंद है तो एक ही सरकार व्यवस्था करेगी, भी सरकारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। यमा अगर हम अन्ना के हो या हमार हो तो चलो हम अपने बांध ले, जब हमार आवे न करें दूसरे गांव के भाग के आ गई मतलब जमुना की वजह से बीच में या कोना पड़ जाते तो सारे यहाँ घुसड़ गए और सबसे बड़ा हमारा एरिया है। अच्छा तो आप BDO साहब आपका फोन नहीं उठा रहे हैं? BDO साहब तो फोन उठाना बंद कर दिया, अगर जाओ शायद किसी किराया भाड़ा लगा के तो बस कह देते हम प्रधान को बोल दिए। प्रधान कहता है कि भाई ऐसा है तुम जाओ है ऊपर जाओ, तुमको जहाँ सांसद के पास जाना है, कृष्णा के पास जाना है, विधायक के पास जाना है, कल विधायक सांसद जी से भी फोन पे तो उन्होंने कहा कि हमसे BDO साहब से हो और उनसे बात करवाइए प्रधान से। अच्छा अब बताओ हमारी यह स्थिति, हमारा जान नहीं निकल रही कि हम अपन मरी कि कहो को मार ढाई साले का कि मैंने हम करी तो कहा करी, इनका पूरा 20,000 रुपया आवास में लेना, शौचालय 400 बने उमा 200 बनाना, ट्रैक्टर खरीदे ठाड़ कर देना, अहिया 100 रुपया चंदा मांगो ग्राउंड का तो एक पैसा नहीं। अच्छा आवास के नाम पर पैसा भी ले जा रहे हैं? अरे 20,000 रुपया चुप्पा हुआ बैंक में सबसे पहले ले लिया थे उसे मैं पहले किस्त में तय है। अच्छा शौचालय पे तो कोई घोटाला नहीं? शौचालय 400 शौचालय में केवल 200 बने, 200 का खरीद के न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर नई ट्राली नवा टायर हुआ खड़ा पूरा 50-25 ट्रैक्टर है गाँव में नए टायर को नहीं डावा केवल एक सुमन देवी के अलावा। हाँ वो 8 टायर नए डाए भैया ट्राली में केवल